नईगढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम देवरी से ग्राम निवासी किराना व्यापारी विनोद कुमार गुप्ता पिता स्वर्गीय दिनेश प्रसाद गुप्ता के घर में बीती रात 1 बजे आधा दर्जन से अधिक की संख्या में अज्ञात नकाबपोश बदमाशों द्वारा घर के पीछे के दरवाजे से अंदर घुसा गया। जैसे ही नकाबपोश बदमाश अंदर घुसे तो व्यापारी युवक को रबर की रस्सी से बंधक बनाकर मुंह के अंदर कपड़ा ठूस दिया। व्यापारी युवक के काउंटर में रखे 25,000 से अधिक की नकदी सहित 1,00,000 से अधिक के किराना सामान जैसे मीठा तेल, डालडा का डिब्बा, साबुन, राष्ट्रीय गुटखा सहित 1,00,000 से अधिक का सामान अज्ञात बदमाशों द्वारा पार कर दिया गया। वहीं फरियादी युवक ने बताया कि अज्ञात बदमाशों द्वारा सामान लूटने के बाद घर के अंदर घुसकर दोबारा मारपीट की गई। वहीं पीड़ित युवक व्यापारी द्वारा डायल 100 को फोन पर सूचना दी गई। सूचना प्राप्त होते ही डायल 100 मौके पर पहुंचकर विवेचना कर रही है। एक से 1:30 बजे के बाद जी 1 बजे हम जागे हैं, 1:30 बजे हम ही मानो कि बांधत बांधिन है। एक के बाद 2-2.5 बजे एंड से निकले हम और एक के बाद चले गए हम 3:30 बजे उठे गए हम यहाँ से। कुमार गुप्ता, क्या घटना घटी आपके साथ? हम सर सो रहे थे, हमारे यहाँ अंदर बदमाश घुसे, हमको यहाँ पे हम परसों लेटे थे तो वहाँ पे आए, हम जागे 2-3 बार गुहार मारे, फिर इसके बाद वो लोग जान गए तो हमको बांधे हैं, मारे हैं, मुंह में उन्ना ठोस दिए थे। इसके बाद सर सामान थोड़ा बहुत जो इधर से सर सामान पैसा वैसा जो वगैरह था तो वो लेके चले गए हैं। पैसा कितना गया? 25,000। सामान लगभग कितने का, किराने दुकान सामान कुल टोटल सामान कितने लाख का गया? लगभग सर 80-80 हजार रुपये का गया है मेरा। अच्छा, क्या एक बार नाम बताइए, स्थान बताइए कौन सा है? देवरी सेगरान। नाम अपना बताइए। विनोद कुमार गुप्ता। क्या करते हैं आप? बस किराना की दुकान करते हैं। तो हाँ। ये कितने बजे रात की घटना? 1 बजे मैं सर जागा हूँ तो जान गया था। 100 डायल को भी आप फोन लगाए? जी सर। नईगढ़ी थाना पुलिस को जी फोन लगा चुके हैं? जी। क्या बोले वो लोग? बोले कि 5 मिनट से आते हैं लेकिन अभी तक अभी नहीं आए। क्या चाहते हैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से? यही मांगते हैं, चाहते हैं कि जो कुछ हुआ है तो उसका कुछ अच्छी से अच्छी तरह से जांच की जाए, बस हो गया। ये बताओ कि कितने लोग थे और कैसे? 5 लोग थे, नकाब बांधे थे सर। नकाब पोश थे जी? 5 लोग थे जी। अपना कहाँ नाम? हमारा नाम दिलीप सिंह बंधवा। कहाँ बंधवा? ये बताइए, पुलिस गश्त करती है कि नहीं? कभी गश्त में नहीं आई। इसके 3 दिन पहले अभी बंधवा गांव में एक रात में 3 चोरी हुई है। हाँ। जिसमें कुछ घरों से तो माल भी ले गए पर चोर ऐसे ही घूम रहे हैं, न पुलिस आती न कुछ होता। अच्छा। पब्लिक परेशान। और गश्त कभी नहीं? गश्त कभी नहीं होता भैया, रोड गश्त करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, कोई जानते नहीं कि पुलिस आई है।